Hello dear students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we will discuss the topic drama and its six elements of the drama by Aristotle. So what is drama? First of all, you should know about the drama, that from where the drama word come. It comes from the Greek word drain, means to do or to act. The doing, acting makes drama. Drama kya hota hai? Ye ek Greek word drain se nikla hai, jiska maani hai to do or to act, matlab kuch karne ko, kuch act karne ko drama kehte hai. Acting ya make, doing something is called drama. इसके बाद है थिएटर. थिएटर कहाँ से आया है? कम्स फ्रॉम द टर्म थिएट्रॉन, द प्लेस वेयर एंशियंट ग्रीक्स सेट टू वॉच प्लेज एंड इज ट्रांसलेटेड एज सीइंग प्लेज. थिएटर आप लोग खुद भी जानते होंगे, वो जगह जहाँ पर लोग एक ड्रामा को, प्लेस को वॉच करते हैं, देखते हैं. सो उसे हम थिएटर कहते हैं. अरिस्टोटल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इसने एलिमेंट्स बताए हैं ड्रामा के, वो फिर डिस्कस करते हैं. पहले आप लोग ये जान ले. सो अरिस्टोटल के बारे में जानेंगे. अरिस्टोटल वाज़ अ ग्रीक फिलासफर हुज राइटिंग स्टिल इन्फ्लुएंस अस टुडे. ही वाज़ द फर्स्ट टू राइट अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा मोर देन 2000 ईयर्स एगो. While ideas have changed slightly over the years, we still discuss Aristotle's list when talking about what makes the best drama. Actually, Aristotle ने ड्रामा के बारे में जो कुछ भी लिखा था वो हमें आज भी, मतलब हम इसे यूज़ करते हैं, जो मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न दौर है. सो इसमें जब हम यूज़ करते हैं उस ड्रामा के जो एलिमेंट्स हैं वो अब भी यूज़ होते हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ड्रामा के. और अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलासफर था जिसकी राइटिंग अब भी हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमारे पास मौजूद है, हम उससे बहुत कुछ हासिल करते हैं. सो अरिस्टोटल कहता है एलिमेंट्स के बारे में. अरिस्टोटल के सिक्स एलिमेंट्स हैं ऑफ ड्रामा, सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा. फर्स्ट है प्लॉट, देन है डायलॉग, देन है थीम, देन है म्यूज़िक. इसका रिदम भी हम कहते हैं. म्यूज़िक से मुराद ये है जब हम कोई, मतलब प्ले देखते हैं, उसके बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक होता है उसे कहते हैं म्यूज़िक. करेक्टर्स हैं, स्पेक्टिकल हैं. अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि प्लॉट क्या चीज़ है, डायलॉग क्या चीज़ है, थीम क्या चीज़ है, म्यूज़िक क्या चीज़ है, करेक्टर क्या चीज़ है, स्पेक्टिकल क्या चीज़ है. सो कहीं भी मत जाइएगा, हमारे पास ही रहिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. सो सबसे पहले प्लॉट है हमारे पास. दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन द प्ले. प्लॉट रिफर्स टू द एक्शन, द बेसिक स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले. एक्चुअली प्लॉट में आप लोगों को सिंपली बता दूँ कि प्लॉट वो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रामा में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी करेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, जो होता है, स्टोरी जो होती है, उसे हम बस क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं. मतलब उस प्ले में या उस ड्रामा में, उस स्टोरी में जो भी होता है, जो वर्क, जो एक्शन करेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, इसे हम कहते हैं प्लॉट. दूसरा है हमारे पास थीम. थीम क्या है? थीम से मुराद सेंट्रल आइडिया. आप लोगों ने 8, 9, 10 के बेसिक इंग्लिश में बुक्स में पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि थीम, थीम से मुराद सेंट्रल आइडिया है. वाइल प्लॉट रिफर्स टू द एक्शन ऑफ द प्ले, थीम रिफर्स टू द मीनिंग ऑफ द प्ले. सो थीम से मुराद ये है कि प्ले का मीनिंग क्या है, मतलब इसमें कौन सी वो, मतलब मैसेज है जो हमें दी गई है, सेंट्रल आइडिया. सो डेट इज़ वॉट वी कॉल थीम. करेक्टर्स है, करेक्टर्स आर द पीपल पोर्ट्रेड बाई द एक्टर्स इन द प्ले. इट इज़ द करेक्टर्स हु मूव द एक्शन आर प्लॉट.
ऑफ द प्ले फॉरवर्ड। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि प्लॉट जो होता है स्टोरी, उसे परफॉर्म कौन करता है? करेक्टर्स। करेक्टर्स कौन होते हैं? करेक्टर्स हमें वो पिक्चर देते हैं, मतलब एक्टर्स के तौर पर जो हो इस्तेमाल होते हैं, मतलब एक ड्रामा में एक करेक्टर है मींस के एक एक्टर है, एक्ट्रेस है, ये बंदा हीरो है, हीरोइन है, विलन है, उसे हम करेक्टर्स कहते हैं। आप लोगों को इतना तो पता होगा ना कि हर ड्रामे में, हर प्ले में, हर मूवी में, फिल्म में करेक्टर्स होते हैं, मतलब एक विलन होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, उसे हम करेक्टर्स कहते हैं। बस बात समझ आ गई। इसके बाद है डायलॉग। दिस रिफर्स टू द वर्ड्स रिटन बाई द प्ले राइट एंड स्पोकन बाई द करेक्टर्स इन द प्ले। डायलॉग क्या होता है? डायलॉग वो होता है जो प्ले राइट जो होता है, जिसने मतलब वो ड्रामा जिसने लिखा होता है, उसने वो वर्ड्स लिखे होते हैं और करेक्टर्स के थ्रू उस प्ले में परफॉर्म होते हैं, सो उसे हम कहते हैं डायलॉग। म्यूजिक। म्यूजिक फीचर इन ड्रामा आर द एक्टर्स वॉइस एज दे स्पीक। म्यूजिक हम ड्रामा में वो भी यूज़ होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया बैकग्राउंड म्यूज़िक को भी हम म्यूज़िक बयान कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर कोई एक्टर है ख़ुद कोई मतलब एक स्पेशल स्पीकिंग करता है, सो डेट इज़ व्हाट वी आल्सो कॉल म्यूज़िक। स्पेक्टिकल। दिस रिफर्स टू द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ प्ले, सेट्स, कॉस्ट्यूम, स्पेशल इफेक्ट्स एक्सेट्रा। अच्छा, स्पेक्टिकल विजुअल एलिमेंट्स ऑफ प्ले भी हम इसे कह सकते हैं, मतलब के जिस तरह मतलब लोग दिखते हैं, तमाशाई उसे देखते हैं, मतलब वो जिस तरह कॉस्ट्यूम पहनते हैं और किस तरह मतलब स्पेशल इफेक्ट्स करते हैं, सेट्स कैसे मतलब बनाते हैं कि जहाँ पे मतलब शूट करेंगे, ड्रामा एक्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, सो उसे भी हम स्पेक्टिकल कहते हैं और हम स्पेक्टिकल तमाशाई को भी कह सकते हैं। समटाइम जब मतलब थिएटर में या मतलब एक स्टेज पर ड्रामा परफॉर्म करते हैं लोग, करेक्टर्स, लोग से मुराद करेक्टर्स है, जब करेक्टर्स ड्रामा को प्लॉट को परफॉर्म करते हैं और उसके सामने तमाशाई ऑडियंस बैठे होते हैं, सो उसे हम स्पेक्टिकल भी कह सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, ड्रामा और प्लॉट स्टोरी, ये करेक्टर्स एलिमेंट से रिलेटेड। अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।